GMCH और ICH का सारा प्रॉपर फंक्शन है। तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको आज बताऊंगा कि जैसे कि इस बोर्ड के अंदर जो है कॉमन पॉइंट, ये देखिए ये फ्यूज़ है, इसी कॉमन पॉइंट से ही मदरबोर्ड में सप्लाई प्रोवाइड होगी, सारे मदरबोर्ड में सप्लाई यहीं से ही जाएगी करेगी। यहीं से क्या होगा, यहाँ से ही पीछे कॉइल पर भी सप्लाई जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, हेलो दोस्तों, आपका ABC इंस्टीट्यूट में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बोर्ड है, ये एक लैपटॉप का मदरबोर्ड है, लेनोवो का लैपटॉप का। इसमें देखिए आप, इसमें जो चिप लग रही है वो AMD चिप लग रही है। इस मदरबोर्ड के अंदर SoC लगी हुई है, सिस्टम ऑन चिप SoC, यानी कि इसी के अंदर ही हमारी सारी ICs हैं। यहाँ पे देखिए ना, आपको कहीं पे GMCS नज़र आएगी ना ICS नज़र आ रही है, इसमें केवल आपको CPU दिख रहा है। और ये जो CPU है AMD चिप है। तो इस तरह के बोर्ड में जो ये चिप लगी होती है, इसको हम बोलते हैं SoC चिप, यानी कि इसी के अंदर सारा हमारा GMCH और ICH का सारा प्रॉपर फंक्शन है। तो ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं आपको आज बताऊंगा कि जैसे कि इस बोर्ड के अंदर जो इसका VRM सेक्शन है, इसका ये VRM सेक्शन है, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, यहाँ से कोर सप्लाई बनती है और यही कोर सप्लाई जो जाती है वो SoC के लिए जाती है वर्क करने के लिए। और इसमें एक आपको ये IC मिलेगी, ये IC लगी हुई है, ये IC लगी हुई है। इस IC को जो है, ये हमारी कोर IC है। तो ये IC का काम क्या होगा, जो हमारा ये VRM के जो MOSFET है, इनके गेट को ड्राइव देने का काम करेगी। तो ये पूरा हमारा जो कंप्लीट है, ये हमारा कोर सेक्शन है। और इसकी यहाँ पर ये कॉइल दे रखी है और ये कैपेसिटर दे रखे हैं, इन्हीं के थ्रू सप्लाई अंदर जाएगी। तो इस सेक्शन को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, इसको हम किस तरह से ट्रेस करें, और इसकी ट्रेसिंग करने के लिए देखो, सबसे पहले मेन चीज़ होती है जो हमारा कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट यानी कि जो हमारा करंट सेंसर रजिस्टर होता है, जिसके थ्रू हमारे पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई प्रोवाइड होती है। तो करंट सेंसर रजिस्टर का जो हमारा जो सर्किट है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज इन सेक्शन। जो हमारा बैटरी और चार्जिंग के बीच में जो सेक्शन होता है, वो वोल्टेज इन सेक्शन होता है। और वोल्टेज इन सेक्शन में जो फ्यूज़ लगा होता है, ये देखिए बैटरी का कनेक्टर है और ये चार्जिंग का कनेक्टर है, ये दो कनेक्टर दे रखे हैं। इन्हीं के बीच का जो हमारा सेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं वोल्टेज इन सेक्शन। वोल्टेज इन सेक्शन में एक फ्यूज़ लगा होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन पॉइंट। ये देखिए ये फ्यूज़ है, इसी कॉमन पॉइंट से ही मदरबोर्ड में सप्लाई प्रोवाइड होगी, सारे मदरबोर्ड में सप्लाई यहीं से ही जाएगी। तो जैसे कि हमारा जो करंट सेंसर रजिस्टर है, वो ये वाला है, यहीं से सप्लाई यहाँ पर आएगी और आगे की जो भी सप्लाई है वो बनेंगी। तो किस तरह से हम इसको ट्रेस करें, हम चेक करते हैं, मीटर उठाते हैं। तो जैसे कि हमने मीटर रख लिया है, आपको मैंने बताया था ये वाला जो है, ये हमारा करंट सेंसर रजिस्टर है, जिसके थ्रू पूरे मदरबोर्ड में पावर सप्लाई जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, ऑल ओवर जो टोटल MOSFET लग रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कि टोटल 8 MOSFET लगे हुए हैं। 8 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो प्राइमरी दो सेकेंडरी, यानी कि जो दो प्राइमरी MOSFET होंगे, उनके ड्रेन पर आपको 19 वोल्ट मिलेगी, और जो सेकेंडरी MOSFET है, उनका सोर्स एक का ग्राउंड होगा दोनों का, और उनके ड्रेन से ही पावर सप्लाई जाएगी हमारे बोर्ड के SoC के अंदर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, चेक करते हैं 19 वोल्ट के कौन से MOSFET है। आप मल्टीमीटर को बीप साउंड पर सेट करोगे और यहाँ पर लगाओगे, देखते हैं। ये इनकी 4 पिन ऊपर की बीप कर रही है, यानी कि इनका ड्रेन है। ये हमारा एक प्राइमरी MOSFET हो गया, एक ये प्राइमरी हो गया। तो ये दो प्राइमरी और इनके ये दो सेकेंडरी, यहाँ पर देखते हैं, ये दो प्राइमरी, इनके ये दो सेकेंडरी। अब यहाँ पर क्या होगा, जो हमारा प्राइमरी MOSFET है, इसके सोर्स से ही जाएगी सेकेंडरी MOSFET के ड्रेन पर। ये इसके नीचे की जो 3 पिन होती है, डॉट के नीचे की 3 पिन होंगी, ये सोर्स होगी, सोर्स से एक के ड्रेन पर जाएगी और इसके सोर्स से इसके ड्रेन पर जाएगी। इससे ये दो MOSFET जुड़े हुए हैं और इनसे ये वाले जुड़े होंगे। ठीक है, तो ये हमारे सेकेंडरी MOSFET हो गए। अब ये जो सेकेंडरी MOSFET का जो सोर्स होगा, वो ग्राउंड होगा। ये देखिए, ग्राउंड से बीप देंगे सारे। और ये हमारी
कोर आईसी है, ये आईसी क्या करेगी, ये जितने भी मॉस्फेट लगे हुए हैं इनको ड्राइव देने का काम करेगी। यहीं से क्या होगा, यहाँ से ही पीछे कॉइल पर भी सप्लाई जाएगी। मैं आपको चेक कराता हूँ, यहीं से ही पीछे कॉइल पर सप्लाई जाएगी। ये आप देखिए, ये मैंने यहाँ लगाया और ये हमने कॉइल पे देखिए, थोड़ा सा आपको ये देखिए कॉइल पे आ रही है, यहीं से कॉइल पे आ जाएगी। ये कॉइलें जो हमारी लगी हुई हैं, ये वाली सेकेंडरी के ड्रेन से ये वाली कॉइल हमारी जुड़ जाएगी। अब इन कॉइल के साथ ये कैपेसिटर लगेंगे, इसके साथ ये दो कैपेसिटर लगेंगे और इसके साथ हमारे ये दो कैपेसिटर होंगे। अब ये जो दो कैपेसिटर हैं इन्हीं से ही सप्लाई जाएगी हमारे एसओसी में। देखते हैं, जा रही है, जा रही है, आ रही है सप्लाई। सप्लाई इन द सेंस, सप्लाई का मतलब ये कनेक्टिविटी शो कर रहा है, ठीक है। सप्लाई तो जब हम ऑन करेंगे तभी आएगी। तो ये हमारा टोटल जो है, ये पूरा हमारा कोर सेक्शन है, वीआरएम सेक्शन है। इसको हम इस तरह से चेक करते हैं, इसमें फॉल्ट क्या क्या आते हैं और उसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल इस मदरबोर्ड की एसओसी शॉर्ट है, इस पर मैंने काम किया हुआ है और इसकी एसओसी शॉर्ट है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपको इसका वीआरएम सेक्शन बता देता हूँ किस तरह से काम कर रहा है। इसकी एसओसी शॉर्ट है, ये चेंज होगी। तो इस तरह से हम वीआरएम सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं इजीली। आपको कॉमन पॉइंट पता होना चाहिए कैसे मिलता है, और इसको हम स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू भी ढूंढ सकते हैं। अगर आप विदाउट स्कीमेटिक भी आप ढूंढ सकते हो, जो मैंने आपको तरीका बताया वो विदाउट स्कीमेटिक डायग्राम के थ्रू है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।